प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने से बेहतर है कि प्रदेश सरकार अपने 3 वर्ष के कार्यकाल की रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत करे और जनता को ये बताए कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अभी तक हिमाचल प्रदेश में कितने विकास कार्य किए हैं। वहीं आकाश शर्मा ने मंडी जिला में उपस्थित ऊहल परियोजना को लेकर भी प्रदेश सरकार के समक्ष सवाल खड़े किए हैं और सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों ऊहल परियोजना में गड़बड़ घोटाले हुए। आज माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार और परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी के और CLP के लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी के खिलाफ जो है वो बयानबाजी भी कर रहे हैं और टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं। हमारे ये सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह विनम्र आग्रह भी है, यह अनुरोध भी है कि 3 वर्ष जो हैं उनकी सरकार को पूरे होने जा रहे हैं 27 दिसंबर को, तो कृपया करके वो 3 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के समुख प्रस्तुत करें। कांग्रेस ने जो भी किया, कांग्रेस के दौरान जो भी कार्य हुए वो जनता के समुख हैं, वो भी बताएं कि 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लाए, कितने नेशनल हाईवेज़ को जो है वो अनुमति प्रदान की सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उन्होंने सरकार बनने से पहले कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री महोदय ने कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो डबल इंजन की सरकार है और हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को, बुज़ुर्गों को और जनता को जो है कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन आपने यह देखा ही है और महसूस भी किया है कि 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कौन से कार्य हुए और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो दिन प्रतिदिन जो है कर्जे ले रही है और सरकार को चला रही है। कोई भी बड़े प्रोजेक्ट जो यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने कहा था उनका क्या विस्तारीकरण है, उन्होंने क्या उस बारे में किया, ये सब बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार को और उनके नेतागणों को रखनी चाहिए जनता के समक्ष। और यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो मंडी में ऊहल परियोजना से 24 घंटे का पानी आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। जोगिंदर नगर में जो जल शक्ति विभाग की ऊहल परियोजना थे वो भी गड़बड़ घोटाले में है। बड़े बड़े घोटाले जो है इस दौरान जो है प्रदेश में हुए उनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई, ये सब जवाब जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को जनता के समुख रखने चाहिए 3 वर्षों की कार्यकाल में, ना कि हमारे वरिष्ठ नेता राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर टिप्पणी करके या प्रदेश कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करके या CLP लीडर के ऊपर टिप्पणी करके। धन्यवाद।